लोगों ने तो शिक्षा के लिए भी काम शुरू किया और शिक्षा के क्षेत्र में जो जो काम हम लोगों ने शुरू करा दिया, तो उसी में एक बात अच्छी तरह जान लीजिए कि जो कुछ भी था 6-7 से ही जो है पंचायत और नगर निकायों के माध्यम से बड़े पैमाने पर नियोजित शिक्षकों की नियुक्ति की गई। तो ये जान लीजिए कि उस समय जो हम लोगों की सरकार थी, सरकार ने ही हम लोगों ने निर्णय ले लिया कि सरकार से अभी कुछ नहीं करेंगे, आप लोग वहां पर जो कुछ भी है पंचायत और नगर निकाय के वो लोग वहां पर कर ले और अपने अपने इलाके में उन सब लोगों को बहाल करें। तो ये सब काम शुरू हुआ ना, तो शुरू से जब काम शुरू हो गया, ये तो आपको बता रहे हैं 2006-07 से, तो कुल कितना हुआ था 3,67,143। अब ये चल रहा था तो हम लोगों ने 2023 में एक फैसला किया कि अब जब उन लोगों ने बना लिया, अब जितना काम हो रहा है अब और भी अब सरकार को बनाना चाहिए, तो हम लोगों ने सरकार की तरफ से ये काम शुरू कर दिया। हम लोगों ने पूरे तौर पर लोगों को वहां पर भी करने के लिए शुरू किया। तो आप जानते ही हैं कि हम लोगों ने जो 2023 से शुरू किया सरकारी तौर पर, जो हम लोगों की तरफ से जो किया गया डिपार्टमेंट की तरफ से वो किया गया और ये सब काम जो किया गया था, तो इन सब लोगों की संख्या कितनी हुई 2,17,272। ये दो चरणों में उतने लोगों की बहाली हुई और उसी समय तो जब 2,17,273 बना, तो उसी में ये जो आप लोगों का जो है उसमें से 28,000 नियोजित शिक्षक से सरकारी शिक्षक हो गए, तो इसलिए बहुत लोग आ गए थे शुरू में, तो जितने लोग थे बहुत लोग उसी में शामिल हो गए थे, तो इस तरह से किया गया था। लेकिन बाद में फिर हमको लगा कि भाई इन लोगों को जो सरकारी शिक्षक बनने के लिए और इन लोगों को इतना इतने बड़े शिक्षा में काम करना पड़ता है, जो भी हो रहा था, तो उसी समय हम लोगों ने तय कर दिया 2023 के बाद ही हम लोगों ने तय कर दिया कि अरे भाई वो लोग जो पहले से हैं नियोजित शिक्षक, उन लोगों को सरकारी शिक्षक बनाने के लिए हम लोगों ने कहा कि नहीं, स्थानीय स्तर पर एक छोटी सी पढ़ाई उन लोगों की होगी। अब बड़ी पढ़ाई हो रही थी तो कम में लोग थे, तो इसलिए हमने कहा कि नहीं, इन लोगों ने शुरू से काम किया है, इसलिए इन लोगों को सरकार की तरफ से ये निर्णय लिया गया कि उसमें हम लोग एक अलग से शुरू करेंगे। तो ये काम शुरू हुआ ना, अब 5 टर्म हुआ, पहले 3 टर्म हुआ, आइए अभी भाषण दिए हैं वो, तो इसी समय थे तो उसमें 5 टर्म निकले, तो अभी 2 ही टर्म हुआ, अभी 3 टर्म और बाकी, तब तो और भी बने हुए हैं, जरा तेजी से वो सब काम करा लीजिएगा। लेकिन ये बड़ी खुशी की बात है कि जब हो गया तो जो पहली सक्षमता परीक्षा हुई तो उसमें आप समझ लीजिए 1,87,818 नियोजित शिक्षक पास हुए, उसमें तो पास हो गए। पास होने के बाद कुछ जांच लिया जाता है प्रमाण पत्र का, तो उसमें तो अभी 1,14,138, तो उनकी तो बहाली हो रही है, लेकिन बाकी लोगों का भी हो रहा है, अब बहुत जल्दी उनकी भी बहाली होगी और सरकारी शिक्षक में अब आएंगे जो भी उसमें जो किया जा रहा है, जो करीब करीब जितने लोग भी काम किए हैं उसमें से 1,87,818 जो नियोजित शिक्षक सफल है, अब उसमें कुछ का जो हो गया है तो उसको भी किया जा रहा है और बाकी का काम बहुत तेजी से किया जा रहा है। और आप जान लीजिए कि दूसरी सक्षमता परीक्षा भी हुई है, अब उसमें कुल मिला के आप लोगों के बीच में से 65,716 नियोजित शिक्षक पास हुए, अब उनका भी जो जांच होता है वो हो रहा है, तो अभी तो आपको मिला है, हम लोगों ने देखा कितना हो गया, तो डिपार्टमेंट ने कहा कि नहीं अब जो हो गया उसका जल्दी से जल्दी कर दिया, तो नहीं ठीक कर रहे हैं, इन्होंने अच्छा काम किया, मैं इनको बधाई देता हूँ।
कि इन लोगों का करने काम तो गलत है, सीधी क्या उस सबका करा के करिए, जितना हुआ तो उसका इन्होंने काम के कर दीजिए, तो बड़ी खुशी की बात है। और बाकी जो लोग और होंगे उनका होगा। और दूसरे फेज में जो आपको बता दिए कि आपको अभी बता दिया हम लोगों ने 65,716 नियोजित शिक्षक पास हुए हैं, तो उसका भी जल्दी से जल्दी और बहाली होगा, ये हो जाएगा। और उसके बाद तो आपको किया है हम लोगों ने, 5 किया था तो 2 हुआ है, तो बाकी और सब हो जाएगा। तो एक में इसके बाद अभी 85,609 नियोजित शिक्षक शेष बचे हुए, बाकी सब तो पढ़ाई दे रहे हैं। मैंने पहले बार जो हुआ था सरकारी उसमें भी हो गए थे, आपको बता दिए 28,000। और बाकी सब लोगों को नीचे ऊंचे कभी काफी लोगों का काम अभी आप लोगों का हो गया, तो इसलिए बाकी सबका भी हम लोग चाहते हैं कि उनकी परीक्षा हो जाए और ये सब लोग आ जाए और सरकारी शिक्षक बन जाए। तो जब सरकारी शिक्षक बन गए हैं तो हम लोगों ने एक चीज और भी रखा है कि और लोक सेवा आयोग के बारे में नए शिक्षकों का तो आपको बता दिया ना कि बाकी लोग जो शुरू में हम लोग किए तो 2,17,272 आपको बता दिए, उतने लोग उसमें कायम है। और उसके अलावे और भी परीक्षा हुई, उसमें शिक्षक के नए पदों पर 38,900 अभ्यर्थी परीक्षा पास हुए हैं। और हेड मास्टर के नए पदों पर 42,918 अभ्यर्थी पास हुए। तो ये तो और लोग जो पास हुए उनको आएंगे ही। और आप लोगों का भी जिस तरह से ले लिया जा रहा है छोटी सी एग्जामिनेशन, तो उसी के चलते आप लोगों को तो अभी इतना हुआ है। और बाकी लोग जो है और लोग आएंगे और बाकी लोगों का भी नाम बता दिया कि वो पास कर चुके हैं, वो सब को इतना तेजी से काम करेंगे। और बचे हुए लोगों का भी हम लोग जल्दी से जल्दी उसके लिए भी परीक्षा करा करके सब काम को करा देंगे। तो आप जान लीजिए कि हम लोगों ने तो ये सब काम किया है। अब कितनी बड़ी संख्या में शिक्षकों के रूप में लोग काम करेंगे और सबको पढ़ाएंगे, सब कुछ करेंगे। और एक बार और पांडे जी के 2005 में भी बिहार के विकास में हम लोग लगे हुए थे, आपको हम कहानी अपना बता रहे थे कहा तो क्या हाल था। अब हालत इतनी खराब थी कि स्कूलों की कमी, बहुत कम कमी थी स्कूलों की और शिक्षकों की भी कमी थी। तो उसी को देख करके ना हम लोग करना शुरू किए कि उसकी पढ़ाई ज्यादा हो और ज्यादा से ज्यादा हो, तो हम लोगों ने सब काम करवाया। तो इसीलिए हम लोगों ने 2006-07 में लड़के लड़कियों के लिए पोशाक योजना शुरू किया। तो जो आपको बता दिया ना इसलिए कि हम लोगों ने ये सब काम शुरू करा दिया ताकि तेजी से हो जाए। और उसके अलावे आप अच्छी तरह जान लीजिए कि 2008 में 9वीं क्लास की लड़कियों को विद्यालय जाने के लिए साइकिल योजना चलाई थी और उसका लड़कों ने भी मांग किया हमसे, तो 2010 में लड़कों के लिए भी किया। अब कितना अच्छा होता जब लड़की को चलाते थे स्कूल जाने के लिए हम लोग, आप समझते थे साइकिल योजना, तो वो तो शाम में अपने माता पिता को ले जाकर के गांव में और सब जगह घूमवाते थे बाहर में बाजार में। तो ये सब याद रखिए, हम कह रहे हैं आप लोग जितना चीज पहले हुआ है उसको आप लोग भूल जाते हैं। आप पत्रकार सब लोग यहां पर बैठे हो, सबको कहेंगे कि पुरनका चीजवा को याद रखिएगा ना, तो पुराना चीज याद रखिए पहले क्या हाल था, कितना ज्यादा लड़की लगी और फिर हम लड़का भी मांग किया उसको दिया। तो ये सब काम जो हम लोगों ने शुरू से सबको किया, अब कैसा हुआ, अब घरवा देख रहे हैं ना कि सब घरवा कितना बड़ा बड़ा लोग बना दिए। अब पटना में जो देख रहे थे तो पटना में कहीं जाते थे शाम में, अब आप बोलिए तो सब समय एक एक काम हम लोगों के लोगों ने सब लोगों ने मिल करके पूरा का पूरा काम लोगों के हित में किया। अब बाकी तो हम 2 बार गलती करा दिया हमारा लोग, 2 जगह गलत कर दिया हम लोग तो साथ थे मतलब का और महिला हमको खराब लगा था तो हमको दोनों बना हटा दिए। अब हम कभी किसी को इधर उधर नहीं,
हम लोग जो पुण्य से किए हम लोगों का रिश्ता कर्ज था, हम लोगों का रिश्ता आप जानते हैं 1995 से हम लोग का रिश्ता 96 से, और उसके बाद अब आप जानते हैं वो साथ में थे, बीच में इधर उधर, अब कभी इधर उधर नहीं होगा, हम ही लोग मिलकर के साथ थे। साथ लोगों का भी सफला हो रहा था तो क्या था, शुरू में तो सब लोग साथ ही थे तभी ना हो रहा था, एक एक काम हो रहा था, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तो कितना बढ़िया से स्वास्थ्य का क्षेत्र भी किया गया था सब लोगों के, तो ये सब काम हम लोग सब मिलकर साथ कर रहे थे। अब फिर से सब लोग एक ही साथ रहेंगे, कभी इधर उधर नहीं जाएंगे। बाकी जो आप लोगों को बता दिया, तो इन सब लोगों को जितनी तेजी से हो सकता है, और हम लोग तो कितना ज्यादा कर रहे हैं, लड़की को पढ़ने के लिए बोलिए, अब बालिका शिक्षा को सब तरह से हम लोगों ने कर दिया, एक एक तरह से जो काम किया, अब जब लड़की पढ़ती है 10+2 का हमने पढ़ाई शुरू कर दिया, तो आप जानते ही ना कि 12वीं पास करने पर पहले 10,000 देते थे लड़की को, अब उसको बढ़ा करके हम लोगों ने 25,000 कर दिया कि उनको सरकार की तरफ से दिया जाए, और इसी तरह से जब उसके भी आगे जब पढ़ते थे, बड़ी पढ़ाई होती थी उनकी, तो उसको हम लोग देते थे 25,000 रुपया ग्रेजुएट होने पर, अब उसको 50,000 दे रहे हैं। तो महिलाओं को तो इतना ज्यादा हम इसलिए किए हैं कि भाई महिलाओं को भी आगे करना है। आप देखते हैं, आप पढ़ने में आप देख लीजिए, पढ़ने में लड़का लड़की लगभग बराबर होते चले जा रहे, तो ये कितनी खुशी की बात है। और लड़की का महत्व नहीं जी, माता रही तभी ना हम लोग सब हैं, आप भुलाइएगा, वही ना जन्म देगी, और उसी तरह सब जब बैठे हुए हैं हम सब लोग, तो हम लोग जन्म कैसे लिए, माता से ने जन्म लिया, तो महिला से, तो हम तो देखिए शुरू से कि महिलाओं को पूरा का पूरा आगे बढ़ाना, तब कितना ज्यादा हो रहा है, कितना काम करती है, कितना काम कर रही है महिला, तो आप लोग भी पढ़िए, उस तरह से पढ़िए, हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग तो भाई देखिए, आप लोगों को शुरू में हमारा ही बनवा तो हुआ था कि आप लोग बना दीजिए, अब उसके बाद कर रहे हैं, तब कोई कोई आदमी इधर उधर करता हो तो सबको समझा दीजिएगा कि भाई जाओ ना, परीक्षा है, परीक्षा दे दो, बहुत साधारण परीक्षा है, इतनी बड़ी संख्या में आप लोग कितना, दूसरा वाला भी बता दिया बहुत तरह से बोरा, तब इसके आगे भी कोई बचा हुआ है, जो हम तो बता ही दिए आपको कि 95,000 85,000 609 है, तो सबको समझाइएगा कि भाई ठीक से जाओ, अब जेबे नहीं करेगा तो कोई तरीका है, अच्छी बात है। एक बात हम आपको बता देते हैं, अभी तो बता रहे थे, हम आपको बता देते हैं, लोग का हो रहा था कि भाई जो इन लोगों को बनाएंगे सरकारी शिक्षक, तो उनको लड़कियों को अलग, लड़कों को अलग, ये सब बात हुई थी, लेकिन मैं आपको एक ही बात कह देता हूं कि नियोजित शिक्षक शिक्षक अपने नए पदस्थापन को लेकर परेशान है, इसीलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जो नियोजित शिक्षक जिस जगह पर काम कर रहे हैं वहीं पर उनको काम कर रहे हैं। सब लोगों के हक में है, क्योंकि पहले ही बना कोई, तो हम तो बार बार आपको कह रहे हैं ना कि वो डिसीजन हम लोगों की सरकार पिछले हम लोगों ने दिया, आप ही करिए, अब बाद में फिर अभी कर रहे हैं, तो आप सबको सरकारी शिक्षक बना रहे हैं, तो सब लोग सरकारी शिक्षक रहेंगे। आप पहले भी जो बने थे नियोजित शिक्षक, तो उनको तो पैसा तो सरकार ही ना दे रही थी भाई, और शुरू किया था शुरू से 4,000 5,000 शुरू करके, फिर कितनी बड़ी संख्या में सबको जो शिक्षक का होता है उतना ही पैसा दिया, तो अब तो सबको सरकारी भी बना रहे हैं। तो इसीलिए हम आप सब लोगों से ही आग्रह करेंगे कि ये सब काम हो रहा है, और इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए शिक्षा विभाग के सभी पदाधिकारियों और कर्मियों को मैं धन्यवाद देता हूँ, आप सबको धन्यवाद देता हूँ।
आप सब लोग एकदम समय पर रहिए और लोगों को पढ़ाइएगा। अभी हाथ उठा रहे थे तो हाथ उठा करके आप कहिए कि सब खूब पढ़ाइएगा। बोलो इसलिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज सब लोग आपके साथ हैं, सब लोग कितना आपके पक्ष में बोले, हमारे जितने नेता हैं सब लोग, सब लोग एक साथ, तो हम लोग चाहते हैं कि सब लोग खूब आगे बढ़े और खूब अच्छा रहे, यही हम लोगों की इच्छा। इन्हीं शब्दों के साथ आज तो पूरे सब जगह अपने पूरे जगह सभी जिला में अभी जगह पर किया जा रहा है। और यहाँ पर भी एक मान लिया गया था कि कुछ लोगों को बुला करके, तो यहाँ पर जो भी हम लोग बोल रहे हैं वो सब जगह हर जिला में भी खबर जा रही है और सब जगह को हो रहा है। तो सब लोग खूब बुलंदी से आप रहेंगे और आप लोगों ने हाथ उठा करके कहा कि हम खूब पढ़ाएंगे, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।